उससे मकान वगैरह बनाया है, तो उसके हाँ बारे जी में। हाँ जी हाँ जी, तो सर आप कहाँ पे हैं सर ये? मैं पिंजौर में हूँ। अच्छा पिंजौर में है क्या? मैं अभी मेरा मैं जॉब करता हूँ एक्चुअली, मैं आपको मैं बता दूँ, मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, हाँ भिवानी हाँ डिस्ट्रिक्ट से, और मैं अभी अम्बाला में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो मैं क्या है, अपने सुदर्शन मलिक जी जो थे, इनके बारे में हाँ पहले जो प्लास्टर बनाते थे तो काफी मतलब वो था, फिर उन्होंने ब्रिक बनाई, तो उसके लिए मतलब मन में एक हाँ यही था कि भाई इसी से हम कुछ शुरुआत करें। फिर हाँ उनका एक वीडियो देखा कि उन्होंने 50,000 का वो रख दिया कि हम क्या, 50, अभी उन्होंने एक वीडियो डाला था कि हम उनको सिखाएंगे, हाँ फिर उन्होंने मतलब उसमें 50,000 रुपये उसकी एंट्री फीस रखी है। अच्छा, मुझे नहीं पता ये। अच्छा अच्छा आप अभी लेटेस्ट वीडियो देखेंगे, शायद मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले का ही वीडियो है वो। अच्छा तो उन्होंने ओके, बीकानेर में प्लांट लगाया है और हाँ वहां हाँ पे 50,000 की उनने वो रखी है। उसके अंदर कंडीशन भी है कि अगर आप बना लेते हो 1 महीने के अंदर तो आपको 40,000 रिफंड हो जाते हैं, वरना आपके वो 50,000 6 महीने के अंदर वो जब्त हो जाएंगे। तो अच्छा, ऐसे करके, तो फिर मैं उधर से थोड़ा सा स्लो हो गया, मैंने कहा ये हाँ तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया, और ये फिर कि हमें तो बेचने के लिए करना नहीं, हम तो एक सोच रहे थे कि हमारे घर के लिए हम क्या मतलब ऐसा कुछ चेंज, मतलब ये पुराने घरों की तरफ हम जाना चाह रहे थे, वो चीजों की तरफ वो था। फिर आपका एक वीडियो देखा तो मैंने कहा चलो आज संडे है थोड़ा सा आपको समय, आप बिजी तो अच्छा, नहीं है सर कहीं? नहीं, करिए बात। अच्छा, तो सर ये क्या चूना मतलब इसमें मिट्टी मिलाई जाती है वो नहीं आप यूज कर रहे क्या? नहीं, ये प्योरली गोबर का है। अच्छा हाँ, तो इसमें गोबर और चूना है। हाँ, तो चूना कितना परसेंट सर? चूना देखो ऐसे है कि इसकी जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है। अच्छा अब किसी का गोबर में ज्यादा पानी है, किसी का कम है, किसी में प्रोटीन कम है, किसी में कुछ है, तो हाँ इसमें सर देखो आपको। एक मिनट, मैं हाँ इसमें ये कहना चाहूँ, मेरा ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें सिर्फ जैसे गौशाला है तो गाय का ही गोबर काफी जगह सुना हुआ भी है उसका अच्छा रहता है, भैंस से ज्यादा मतलब उसमें ज्यादा अच्छा हो उसका, या आपने देखा भी होगा गाय का गोबर में टाइट ज्यादा रहता है, हाँ, बिल्कुल। और भैंस का गोबर क्या है ढीला सा मतलब थोड़ा सा चोथ बोलते हैं वैसे टाइप का वो नहीं, रहता है। वैसे मैंने भैंस के गोबर से भी ईंटें बनाई हैं, उससे भी बन अच्छा जाती है। हाँ, अच्छा उससे भी हाँ बन बन, जाती है। इसीलिए मैं कह हाँ रहा हूँ कि रेशो फिक्स नहीं है, मैं वही अच्छा समझा रहा हूँ कि जो रेशो है वो फिक्स तब होगी अगर हमारा जो क्वालिटी फिक्स हो जाए कि गोबर की क्वालिटी कैसी है। तो हाँ कई बार जो है, जो चूना है वो 9% से लेकर 20% तक भी पड़ जाता है। दूसरा, अच्छा गोबर की एज पे भी डिपेंड करता है। गोबर अगर ताजा होगा तो उसमें चूना कम पड़ेगा, गोबर अगर पुराना होगा तो उसमें चूना ज्यादा पड़ेगा। तो अच्छा दूसरा, गोबर की क्वालिटी उस पर भी डिपेंड करती है कि गाय को या भैंस को आप क्या खिला रहे हो। मान अच्छा लो हाई फाइबर डाइट खिला रहे हो, तूड़ी खिला रहे हो, उसको खजूर के पत्ते खिला रहे हो, कुछ इस तरह की चीजें खिला रहे हो, तो आपको जो गोबर होगा वो सख्त आएगा। अच्छा ठीक है, तो अगर आपका गोबर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपका चूना कितना पड़ेगा, लेकिन चूना जो है वो 8-9% से लेकर 20% तक भी चले जाता है, अच्छा, 20% तक ही मतलब उसका वो चले होता है जाता है। मैक्सिमम रहे। हाँ, हाँ अब वो अगर आपके पास फिक्स है कि आपके एक कोई बैल है, कोई नंदी है, या कुछ है जिसको एक पर्टिकुलर तरह की आप डाइट देते हो, पर्टिकुलर तरह का उसका गोबर निकलता है, तो फिर आपकी रेसिपी फिक्स हो जाती है कि मेरे को इतने परसेंट चूना डालना है और इतने परसेंट ये करना है। लेकिन मोर और लेस जो है वो 10% के करीब एक्सपेरिमेंटेशन में पता चला है कि कि 10% दस डलेगा। परसेंट चला है। अच्छा तो मेरे पास एक गाय है और एक बच्ची है, और एक भैंस है और एक उसकी बचिया है, मतलब चार वो है, तो मतलब अकेले उस पे तो हम निर्भर करके, और गाय का मतलब वो हम नहीं वो कर सकते कि भाई इतना बनाने ब्रिक्स और फिर आगे जाके वो कर रहा, वो तो तो हमें आप क्या खरीद, कमर्शियल काम करना चाह रहे हो कि अपने घर के लिए कुछ बनाना नहीं चाह रहे नहीं हो? सिर्फ घर के लिए सर, इतना घर के हो लिए? कहा, हाँ, हाँ घर के लिए सिर्फ घर के लिए। ठीक ठीक है। कि हम एक 2 रूम का बना के एक बार देखें कि क्या है मतलब इसमें कितना मजबूती है क्या है, हमारे खुद पे हम करेंगे तो हम दूसरे को समझा सकते हैं कि भाई हाँ, आप जो बिल्कुल। जिस पे जा रहे हो सर, देखो मैं तो नेचुरल में बहुत ज्यादा, मैं जबरदस्ती गाय को, और ये लॉकडाउन में आपने मकान बनाया मैं गाय लेके आया घर पे, कि मैंने कहा गाय का दूध बच्चों के लिए अच्छा रहता है और वो चीजों का मतलब इस तरह से वापसी आया, और आपका भी वही चीज लगा कि आपने भी मतलब उस चीज को इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए और ये सब चीजें आई। हाँ, तो आपने मेरा वो 1 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग देखी है? मैंने ट्रेनिंग भी करी है। हाँ, अच्छा नहीं वो नहीं देखी सर, वो नहीं देखी वो मेरे को एक। हाँ, तो मैं आपको एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ अच्छा जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि कब नई अगली ट्रेनिंग होगी। तो अच्छा दूसरा, मैंने 1 घंटे का ना ऑनलाइन ट्रेनिंग करा था, तो अच्छा वो आप 1 घंटे का वो लेक्चर है उसको भी देख लें अच्छे से। हाँ ठीक है,
और जब मेरे पास कुछ और 10-12 लोग हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन एक और 1 घंटे का करूँगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है? तो तो जैसे आपने, उस सॉरी, आपने जो बनाया है, मतलब आपने क्या बनाया है सर, एक बार थोड़ा सा जानकारी देंगे? देखो, मैंने जो बनाया था, मेरी सारी की सारी ईंटें कोई जीरकपुर में है, कोई कंपनी है, वो ले गई थी। मैंने अच्छा कुछ एरिया को, एक जगह को ब्लॉक करने के लिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया था। अच्छा दूसरा मेरा मन है कि मैंने जो मेरी पानी की टंकी है उसके आसपास मैं इसको लगाना चाहता हूँ, ताकि मेरी पानी की टंकी का टेम्परेचर ठीक रहे। दूसरी बात यह है कि मेरे घर में गाय नहीं है, अच्छा, ठीक मेरे है, को सही। बाहर से अरेंज करना पड़ता है, और अरेंज हाँ करने में मेरे को जो गोबर मिलता है वो ढेर मिलता है, जो पुराना होता है। तो मेरे को ताजा गोबर रोज वहां से लाना आना करना थोड़ा मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, अच्छा ठीक है? दूसरी बात यह है कि मेरा जो मैंने जो करना था वो मेरे को थोड़ा सा ही चाहिए था। मेरा तो ऑलरेडी घर बना हुआ है, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, कर लिया। है ना? तो आगे और कोई अगर किसी को चाहिए होगा या सीखना होगा, मेरा पर्पज यही है कि मैं सिखा के आगे लोगों को, आगे लोग अपना काम कर लें। सही मेरा बात अपना है। कुछ है नहीं कि मैं खुद कमर्शियल करना चाहता हूँ, या मैं कुछ और बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना चाहता हूँ, या क्यों, क्योंकि हूँ तो मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर ही, मेरा है अच्छा ना, मैं कंप्यूटर में हूँ, मेरा मेन प्रोफेशन तो वो है। तो अच्छा इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा। बाकी मेरा इंटरेस्ट था, मैं मतलब इन चीजों में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंटेशन करी और यही सब करा। और यही नहीं, मैंने और भी कई कुछ किया हुआ है। जैसे एक बायो स्लरी होती है, बायोगैस में से हाँ, जो सैलरी निकलती है। स्लरी हाँ निकलती है उसकी भी ईंटें बनाई हैं। अच्छा ऐसे कई तरह के एक्सपेरिमेंट करे हैं, तब उसमें से ये निकला है। जो हिंट है वो वहीं से मिला है जरूर, और असलियत में हिंट जो मिला को मिला है वो जैसे मलिक, वहां पे पैलेस्टाइन में, इसराइल में, वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, तो लोग अपने घर कैसे बना रहे हैं जब उनके टूट जाते हैं घर। तो अच्छा इस तरह के कई दूर दूर से पढ़ के ना, रिसर्च पेपर पढ़ के, उन तरह से उनसे मेरे को 3-4 सालों से आइडिया था कि कैसे क्या करना है। तो ओ ठीक। हाँ, हाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, या आप तो कंप्यूटर पे लगे रहते हो या हाँ देखते हो, पढ़ते हो तो। हाँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैंने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग, जो एटलीस्ट जो गरीब है, जैसे कुछ लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, प्लास्टिक की सही शीट बात लगा है। के रहते हैं, वो लोग भी अपना बना पाए। हाँ, सही बात है, क्यों नहीं सर। और अरे सर। ये, हाँ, इस चीज पे मैं बड़ा, मेरे को ये है कि हम सिर्फ गाय के नहीं, जो जिसके पास जो जानवर है, जिसके पास जो जानवर है, जैसे गाय या भैंस है, तो भैंस का भी लोग बना पाए। हाँ, अच्छा तो उसके ऊपर थोड़ा काम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे आपने बताया इसमें 2-3 दिन लगता है, तो इसको क्या मिक्सिंग करके इसको छोड़ देना है क्या, 2-3 दिन हाँ चूने में? बिल्कुल, अगर आप इसको, इसका केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है, अच्छा इसका बायोकेमिकल रिएक्शन होना जरूरी है, उसको 3-4 दिन लगते हैं, लेकिन कम से कम 2 दिन तो आपको उसको चूने को घोल के रखना पड़ेगा। आप मेरे हिसाब से वो ट्रेनिंग जो है 1 घंटे की मैंने ऑनलाइन डाला हुआ है, उसमें आपके सवाल के काफी जवाब मिल जाएंगे आपको, तो आप वो अटेंड करो, ठीक है सर। थोड़ा ठीक सा है? मेरे को, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को इस पे शेयर कर देंगे, हाँ, मेरे संजय को वहां कुमार पे नाम। आप हेलो भेज दो, एक नाम भेज दो, मैं आपको हाँ ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ, और मैं अभी आपको वो लिंक भी भेज देता हूँ ट्रेनिंग का, ठीक है सर, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।